तो बहुत बहुत स्वागत है गाइस आप सभी का हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं रेडमी 7 को। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका बॉक्स मेरे हाथ में है, जिसे कि मैंने MI स्टोर से परचेज़ किया है। तो यहाँ पास उसका बॉक्स है गाइस। बॉक्स के पीछे आपको इसकी स्पेक्स दिखाई देती है, जैसे कि हर फोन्स में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 632 का एक पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि चिपसेट अच्छा है, बजट सेक्शन में काफ़ी अच्छा चिपसेट आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर 4000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि मेड इन इंडिया होने वाला है। एंड गाइस यहाँ पे 3GB प्लस 32GB वाला सेट मेरे पास है, वो ब्लू कलर में मेरे पास अवेलेबल है। तो कुछ इस तरीके से इसका बॉक्स आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अब हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस बॉक्स को ओपन कर रहा हूँ। तो यारो अभी आप देख सकते हैं हम इस बॉक्स को ओपन करें तो यहाँ पे आपको ये कवर देखने को मिलेगा। तो इसे ओपन करते हैं जल्दी से। तो इसके अंदर भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो जैसे इसे ओपन करते हैं तो ओपन कर रहा है जल्दी से। एंड यहाँ पे ओपन करते ही आपको सिम इजेक्टर टूल देखने को मिलेगा। एंड साइड में आपको एक सिलिकॉन का कवर देखने को मिलेगा, जो कि जल्दी अपने फ़ोन में तो कोई लगाता है, लेकिन टेम्प्रोरी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, जो कि आपको मोबाइल के संग देखने को मिलता है। एंड बाकी में सब लोग बाज़ार से कोई दूसरा कवर ले लेते हैं। एंड साइड में आपको कुछ पेपर वर्क देखने को मिलेंगे, जिन्हें कोई जल्दी पड़ता नहीं है, बस फ्री के होते हैं। एंड गाइस नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा हमारा फ़ोन, जो कि रेडमी 7 है। एंड इसको साइड में रखते हैं, जैसा कि सब लोग करते हैं। एंड यहाँ पे आपको कुछ पेपर वर्क देखने को मिलेगा। एंड साइड में आपको यहाँ पे एक फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी तेज़ी से आपको फ़ोन को जल्दी से चार्ज कर देगा। एंड गाइस साइड में हमें देखने को मिलता है टाइप सी केबल का सपोर्ट। यहाँ पे एक टाइप सी केबल दी गई है, जो कि आपके वायर एडेक्टर में काम आएगी। सो गाइस अब उठा लेते हैं अपना फ़ोन। तो यहाँ पर हमें 12 कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है, जिसका प्राइमरी मेगापिक्सल 12 होने वाला है, प्लस 2 MP होने वाला है। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर पीछे साइड देखने को मिल जाएगा। एंड सामने में 8 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। एंड अपर साइड में आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक देखने को मिल जाएगा। एंड इधर साइड की बात करें तो पावर बटन प्लस वॉल्यूम बटन आपको एक ही संग देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस नीचे साइड आपको चार्जिंग पिन प्लस 2 स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे इस फोन में। एंड गाइस अब हम बात कर लेते हैं कुछ और इसके फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे आप सिम इजेक्टर टूल की मदद से 2 सिम्स लगा सकते हैं और एक SD कार्ड भी यहाँ पे लगा सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा फोन भी स्विच ऑन हो चुका है। तो फोन के बारे में बात कर लेते हैं। एंड गाइस सेल्फी कैमरा के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ, 8 MP का आपको सेल्फी कैमरा यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। एंड यहाँ पे उसके कुछ फीचर्स भी लिखे गए। यहाँ पे मैंने फोन को ऑन कर लिया है। यहाँ पे आपको पहले से इंस्टॉल कुछ ऐप्स देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पे इसके कैमरा के बारे में बात करें तो 12 मेगापिक्सल का कैमरा इस फोन में आपको मिला है, प्राइमरी मेगापिक्सल, जो कि इसमें काफ़ी अच्छा फोटो आपको क्लिक करके दे सकता है। सो गाइस ये थी पूरी कहानी रेडमी 7 स्मार्टफोन के ऊपर। तो इन में मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूँ। तो ये मैंने 1 साल पहले बाय करा था, तो ये मुझे पड़ा था 9000 के आसपास, लेकिन अभी इसका प्राइस बहुत सस्ता हो चुका है। तो ये आपको 7500 के आसपास देखने को मिल सकता है ये फ़ोन मार्केट में। तो गाइस मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।